हेलो दोस्तों, मैं शेफ ऋषि आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में जिसका नाम है द मास्टर ऑफ किचन। अब आज हम हमारे किचन में एक बहुत ही सिंपल और यूनिक रेसिपी लेके आए हैं। आप लोग ने काफ़ी सारी रेसिपीज ट्राई की होंगे आपके किचन में, जिसमें पनीर जो वेजिटेरियन के सबसे ज़्यादा मनपसंद इन्ग्रीडियंट्स है, उससे आपने बहुत सारे डिफरेंट रेसिपीज क्रिएट किए होंगे। पनीर चिल्ली हो गया, पनीर के पकौड़े हो गए, पनीर टिक्का मसाला हो गया, पनीर टिक्का ड्राई हो गया। बट जो आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया हूँ वो थोड़ी यूनिक है और एक इंटरनेशनल क्यूजिन है। तो हम आपको आज हमारे किचन में वो एक इंटरनेशनल क्यूजिन जो पनीर से बनने वाली है, ज़्यादातर नॉनवेज यूज़ करते हैं उस रेसिपी में, मीट यूज़ होता है, बट आज हम यूज़ करने वाले हैं पनीर का। तो उस रेसिपी का नाम है पनीर टेरियाकी ग्लेज। तो पनीर टेरियाकी ग्लेज कैसे बनता है उसके लिए आप सबको आना पड़ेगा मेरे किचन में। तो गाइस लेट्स गो इन द किचन। तो दोस्तों हम आ गए हैं हमारे किचन में। अब आज जो पनीर टेरियाकी ग्लेज हम बनाने वाले हैं उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जाने वाले हैं उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में हम ये डिलीशियस रेसिपी कैसे बनाएंगे आज हम वो आपको बताएंगे। आज की हमारे रेसिपी के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट हम यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम लेंगे अदरक। अदरक को हम जुलियन कटिंग में कट कर लेंगे। यहाँ पे जो अदरक मैंने लिया है वो अराउंड हाफ इंच इतना है दोस्तों। अब हमारे पास जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं कॉटेज चीज़, उसकी बारी है, उसको हम फिंगर कटिंग में कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कॉटेज चीज़ को मैं किस तरीके से फिंगर कटिंग में कट कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से फिंगर कटिंग में कॉटेज चीज़ को कट कर सकते हैं। अब ये जो पनीर है हम इसको कॉर्नफ्लावर के साथ में डस्ट कर लेंगे ताकि इसके ऊपर एक अच्छा सा क्रिस्पी और सुनहरा कलर आ जाए डीप फ्राई करने के बाद। तो कॉर्नफ्लावर के साथ में इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और ये पनीर रेडी है डीप फ्राई होने के लिए। तो अब ये पनीर को हम कर देते हैं डीप फ्राई। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर हमारे पनीर के ऊपर आ चुका है। अब बारी है टेरियाकी की। तो टेरियाकी सॉस के लिए सबसे पहले ऑयल, जो 2 टेबलस्पून जितना हमने लिया है, जिंजर, हल्का सा सॉटे कर लेंगे जिंजर को, और 1 टेबलस्पून जितना चॉप गार्लिक। चॉप गार्लिक को भी हम हल्का सा सॉटे कर लेंगे। गार्लिक सॉटे होने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप जितना हमारा होममेड टेरियाकी सॉस। टेरियाकी सॉस को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम टच करेंगे हमारा स्पाइसी सांबल सॉस जो हमने यहाँ पे लिया है 1 टेबलस्पून जितना। मुझे थोड़ा सा स्पाइसी लेवल ज़्यादा पसंद है तो मैंने 1.5 टेबलस्पून यूज़ किया है इसके अंदर। तो आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा आपके टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। पिंच ऑफ ब्राउन शुगर, अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप रेगुलर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। सॉल्ट टू टेस्ट, आपके स्वाद के अनुसार आप सॉल्ट डालिए। आप ध्यान रखिए कि टेरियाकी जब आप बना रहे हैं तो उसके अंदर भी ऑलरेडी सॉल्ट होता है, तो जब टेरियाकी सॉस आप बनाते हैं तो सॉल्ट की जो मात्रा है वो आप थोड़ा कम रखिएगा। अब इसके अंदर हम हमारा गोल्डन और क्रिस्पी पनीर ऐड करेंगे। पनीर को टेरियाकी सॉस के साथ में अच्छे से कोट कर लेंगे ताकि इसका एक फ्लेवर इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है हमारा पनीर टेरियाकी सॉस के साथ में। इसको हम गार्निश कर लेंगे स्प्रिंग अनियन के साथ में। स्प्रिंग अनियन के साथ में हमने पनीर रेडी कर लिया है।
अब ये पनीर टेरिया की रेडी है प्लेटिंग के लिए। वाओ, इट्स लुक ग्रेट। आप देख सकते हैं इसका लुक एंड फील और इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये हमारा फर्स्ट वीडियो? अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर हमारे साथ और भी रेसिपी के बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़ें और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस रेसिपी के रिगार्डिंग अगर आपके दिमाग में, जहन में कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। आपका सपोर्ट करने के लिए, आपका प्यार देने के लिए खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच।